हेलो गाइज, कैसे हो? जैसा कि आपको पता, दिवाली आने वाली है और अभी जो है बच्चे वगैरह काफ़ी एक्साइटेड होंगे क्योंकि उनको चाहिए क्रैकर्स। तो अभी आप जो है मार्केट जाते हो क्रैकर्स वगैरह परचेज करने के लिए, अपने लिए या बच्चों के लिए, तो वहाँ पर जो है आप अचानक से जाते हो और हर कुछ परचेज करके ले आते हो और बाद में पता चलता है आपको जो है क्रैकर्स काफ़ी महंगे मिल गए या फिर जो है उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ जिनका आप ध्यान रखकर जो है अच्छी क्वालिटी के क्रैकर्स काफ़ी कम रेट में परचेज कर लाओगे। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जो है चार बातों का ध्यान रखना है। सबसे फर्स्ट है MRP। तो यार आप जो है बॉक्स है जो भी आप क्रैकर्स वगैरह परचेज कर रहे हो, सबसे पहला जो है उनका बॉक्स पर MRP क्या लिखी हुई वो चेक कीजिए। तो यार जैसे ये बॉक्स है 1350 रुपये, उस पर MRP प्रिंट है और ये है बॉक्स है। तो यार इसमें जो है 1000 लड़ी वाले पटाखे हैं और इसका MRP मैंने आपको बताया 1350 रुपये है। तो आप जो है आइडिया लगाओ एक बार, आप अभी खुद से एक बार सोच के देखो कि इसका क्या प्राइस है। आप ज़्यादा ही सोचोगे क्योंकि यार इसका जो प्रिंट प्राइस है वो इतना ज़्यादा दिया हुआ है कि आप आइडिया लगा ही नहीं पाओगे, लेकिन रियल में जो है इसका प्राइस 250 रुपये है। ये 250 रुपये का है ओनली। तो अभी आप जैसे आपको शॉपकीपर बताएगा कि यार आपको जो है इस पर 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, 50% डिस्काउंट करेंगे तो करीब ही आपको 675 रुपये का। तो फिर भी बहुत ज़्यादा यार, कहाँ 250 रुपये, कहाँ पर 675 रुपये, तो काफ़ी दोनों में डिफरेंस है। तो इन जो है क्रैकर्स वगैरह पर जो है काफ़ी डिस्काउंट वगैरह रहता है, काफ़ी जो है 70 से 80% का जो है डिस्काउंट करके प्राइस करने के बाद में आपको रीजनेबल रेट पर मिलेगा। तो ये नहीं है कि यार एक ही बॉक्स पर जो है MRP वगैरह या ये चीज़ आती है, आप जो है सभी बॉक्स पर चेक करोगे तो आपको जो है उनका MRP प्रिंट दिया हुआ होता है। तो अभी जैसे इसमें देख लीजिए, आपका जो है MRP 525 रुपये दिए हुए हैं। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप परचेज कर रहे हो उनका MRP चेक करो और उस पर जो है कितना परसेंट आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं बता देता हूँ, आप जो क्रैकर्स परचेज कर रहे हो, अगर आप पूरा बॉक्स परचेज कर रहे हो या जो भी परचेज कर रहे हो, उस केस में आप देखिए कि यार उस जो बॉक्स के ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या दी हुई है। अभी जैसे आप देख लीजिए, इसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट दी हुई है 2018 और इसकी जो है बेस्ट बिफोर जो एक्सपायरी डेट है वो है दिसंबर 2023। तो ये अभी जो है ओके है क्योंकि अभी जो चल रहा है अक्टूबर 2019 चल रहा है, तो अभी भी मतलब इसमें एक्सपायरी जो है इसके होने में काफ़ी टाइम है। तो आप जो है यहाँ पर जो क्रैकर्स परचेज कर रहे हो उसका जो एक्सपायरी डेट भी देख लीजिए, क्योंकि यार अगर इसकी डेट निकली होगी, एक्सपायरी डेट जो है बेस्ट बिफोर यू जो दिया हुआ था वो डेट निकल चुकी होगी, तो जो है इसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। थर्ड आपको जो ध्यान रखना, आप जो भी क्रैकर्स वगैरह परचेज कर रहे हो, अगर आप पूरा बॉक्स ले रहे हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यार उसका जो है पैकिंग अच्छे से होना चाहिए। अभी जैसे मैंने ये ओपन किया है लेकिन सभी बॉक्स जो है इस तरह से पैक आने चाहिए, मतलब ये बॉक्स तो होता ही, इसके अलावा जो इसके ऊपर ये पन्नी दिख रही है ना आपको अलग से, तो ये भी पूरा कंप्लीट पैक होना चाहिए। अभी जैसे इसका मैंने पन्नी हटाया था लेकिन सभी जो है इन पर पन्नी लगी हुई होती है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे यार आप जो है ओपन किया हुआ बॉक्स ले लोगे तो उसमें जो है डेट वगैरह ओके होगी, जैसे ये इसकी जो है डेट है वो तो ओके होगी, लेकिन जो है बॉक्स खुला होगा तो जो है पुराने वाले क्रैकर्स है वो इसमें डाल देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार जो है कब के हैं ये। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप पूरा बॉक्स ले रहे हो कोई भी, तो उसका जो है पैकिंग जो है इस तरह से होना चाहिए, ना कि बॉक्स में पन्नी के साथ में भी जो है इसका बॉक्स कंप्लीट पैक होना चाहिए, तो जिससे आपको जो है क्वालिटी अच्छी मिलेगी। तो आपको जो बेसिकली इन बातों का ध्यान रखना। इसके बाद में नेक्स्ट मैं बात आपको एक और बता देता हूँ, यार जो भी आप क्रैकर्स लेते हो वो ये नहीं है कि कुछ भी हर कुछ ही आ जाए, उनमें जो है ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों होते हैं। तो अभी जैसे ये वाला आपको पता है मुर्गा छाप का जो एक ब्रांड है, अपने आप में काफ़ी पुराना है ये, तो ये जो है ब्रांडेड है। तो इसी तरह के जो है नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट भी आते हैं, तो उनका जो है प्राइस काफ़ी कम होता है, और ब्रांडेड चीज़ में जो है एक चीज़ का एक बेनिफिट मिलता है कि उनमें MRP हर कुछ नहीं छपी हुई होती। जैसे इसका MRP है ना वो दिया हुआ है करीब, ये MRP है इसका 525 रुपये, तो मतलब बिल्कुल रीजनेबल लिखा हुआ है इसका प्राइस, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं है। ये जो स्काई सूट है जो चक्री वाला है, तो इसका MRP बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो आपको ज़्यादा आइडिया लगाना नहीं पड़ेगा, 150-200 रुपये तक आपको इसमें जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। तो गाइज, मैंने आपको बता दिया है आप जो है क्रैकर्स परचेज करने जा रहे हो तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आप अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं आप जो है ठगे जाओगे। तो यार आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दे, और आप अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ ये रेड कलर का जो बटन है सब्सक्राइब बटन, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले।